डीटीएच की दुनिया में पहला कदम रिलायंस जियो ने रख दिया। कैसे रख दिया बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हम देते हैं किसी भी न्यूज को दमके की चोट पे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त का चंदन घिसो रघुनंदन, यही कहावत आज इस वीडियो में लागू होगी। कैसे? जैसा कि सबको मालूम है कि मुकेश अंबानी ने आज लॉन्च किया है बिना पैसे का मोबाइल, यानी कि मुफ्त का मोबाइल उन्होंने लॉन्च किया है, और उस मोबाइल में बहुत कुछ है। जैसा कि आप बोलोगे कि साहिल कॉलिंग साहिल, तो साहिल का कॉल लग जाएगा। आप कोई मैसेज टाइप करते हो कि हाय साहिल फ्रीडिस कैसे हो, तो मैसेज तुरंत टाइप होगा और वो मेरे पास चला आएगा। तो उसी प्रकार से, उसी तरह से उन्होंने आज रिलायंस जियो डीटीएच को भी लॉन्च किया है। कैसे लॉन्च किया मैं बता रहा हूँ। जो मोबाइल आपको मिल रहा है उसको आप अपने टेलीविज़न से कनेक्ट कर सकते हैं और सारे चैनल का मज़ा ले सकते हैं। कैसे लेंगे? उसके लिए आपको 309 रुपए का रिचार्ज प्रति महीने कराना होगा। जब आप 309 रुपए का रिचार्ज कराओगे तो आपका ये प्लान एक्टिव हो जाएगा और आप अपने टेलीविज़न पे जो भी पेड चैनल हैं वो सारे के सारे चैनल आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने दो दिन का प्लान 24 रुपए का और 56 रुपए का 7 दिनों का भी प्लान लॉन्च किया है। बाकी अब हम आपको ये बता दें कि आपके हाथ में मोबाइल आएगा कब। 24 अगस्त 2017 से मोबाइल की बुकिंग चालू हो जाएगी, पहले आओ पहले पाओ के शर्त पे। जब आप उसे बुक करोगे तो वो सितंबर महीने तक आपके हाथ में आ जाएगा। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि रिलायंस का 15 साल पहले मोबाइल आया था, जो कि बहुतों के हाथ में अभी तक चला है। जब तक रिलायंस CDMA चला है, साल भर पहले तक, तब तक वो मोबाइल चला है। तो इसीलिए मेरी समझ से ये जो मोबाइल स्मार्टफोन रिलायंस जियो का आ रहा है, ये बहुत ही बेहतर होगा। और प्लस जियो का ये पहला कदम है DTH की दुनिया में कदम रखने का। मोबाइल के ज़रिए ये कदम रख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेट हमें मिलेगी वो उस अपडेट को हम तुरंत आपको इसी चैनल पे दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक YouTube का सुपरस्टार साहिल फ्रीडिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए।